हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिनी दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो आज है 10th of January और आज है सकट चौथ वाला दिन, और इसको तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं, गणेश चौथ भी बोलते हैं। सो आज के दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। हमारे में तो निर्जला व्रत रखा जाता है अपने बच्चों के लिए, किसी के यहाँ लड़कों के लिए, किसी के यहाँ बच्चों के लिए। सो बेसिकली आज का जो व्रत है ये बच्चों के लिए रखा जाता है। सो मैंने भी आज व्रत रखा है। सो हमारे यहाँ निर्जला रखते हैं, बट मेरी मदर इन लॉ ने पानी पिला दिया था, सो हम पानी वगैरह पी लेते हैं। सो बस यहाँ पे देखिए अभी 8 बज रहे हैं और बस मैं पूजा करना फटाफट से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अराउंड 8:40 या 8:45 का टाइम है चंद्रोदय का, चंद्र निकलने का टाइम। सो चंद्र निकलने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं। सो उनको जल देने के बाद तब तक मैं पूजा कर लूंगी, तब तक चांद भी निकल आएगा। सो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सिंपल सिंपल बस फटाफट से चूड़ियाँ डाली हैं, कान में इयरिंग और मेरा ये क्लचर इयरिंग्स, और बस मंगलसूत्र डाला है, अपना इयरिंग है, साड़ी डाली है। फुल लुक मैं आपको एज यूजुअल बाद में दिखा दूंगी। ये मेरा वही वाला शॉल है, इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि इस जो शॉल की क्या खासियत है। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, बट एक्चुअली जो काफ़ी सारे वीडियोस लाइनअप थे सो मैं डाल नहीं पा रही थी। सो इस शॉल का भी मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी कि ये क्यों खास है। सो बाद में आपको दिखाऊंगी और अपना फुल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड पे। और अभी पूजा की मेरी तैयारी देख लीजिए आप कि मैंने क्या छोटा सा पूजा की तैयारी की है। सो बेसिकली आज के दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनको तिल और गुड़ का प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, और सीजनल जो भी फ्रूट्स आपको आपके एरिया में मिलते हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल लाइक बैंगन, मूली और शकरकंद वगैरह हो गया, और अमरूद हो गए, और बनाना, जो भी सीजनल फ्रूट हैं जो इस टाइम पे इस सीजन में मिलते हैं वो हम चढ़ाते हैं आज के प्रसाद में, और लड्डू चढ़ा सकते हैं। सो जैसा मेरी मदर इन लॉ करती हैं वैसी मैं भी फॉलो करती हूँ एज यूजुअल। सो उनको ही मैं फॉलो कर रही हूँ। सो लास्ट ईयर का भी आपने मेरा सकट चौथ का वीडियो देखा होगा। सो हम उस टाइम रिसेंटली लंदन से इंडिया आए थे और मेरे देवर की शादी भी थी। सो शायद लास्ट ईयर 25th को देवर की शादी थी और 21st को आई थिंक वो पड़ा था तिलकुटा चौथ, ये वाला जो व्रत है। सो ठंड में ही पड़ता है ये वाला। सो बस इस बार अकेले हूँ यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। सो इस बार मैं अकेले ही पूजा करूंगी, बट मैंने मदर इन लॉ से पूछ लिया है, सो उन्होंने अच्छे से बता दिया है सब कुछ। सो बस मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। और अगर आज का ये जो वीडियो है सकट चौथ का आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब यहाँ पे शाम होने को आई है और यहाँ पे मैंने पूजा करने की जो तैयारी है उसके पहले अपना फलहार बना के रख लिया है। सो यहाँ पे मैंने बिना नमक के फलहार वाले आलू बनाए हैं और समा की चावल का खीर बनाया है जो कि मैं पूजा के बाद खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा का तैयारी करना अब स्टार्ट कर दिया है फटाफट से। सो ये हमारा मेन प्रसाद होता है गुड़ और तिल का, जो मैंने पहाड़ बनाया है, गणेश और गौर गणेश और सिक्का है, ये मेरी मदर इन लॉ बना के दी है, जो आप येल्लो कलर के डब्बे में देख रहे हैं, और जो दिया है ये भी लाइक इसी में हम हर साल गणेश चौथ के दिन दिया जलाते हैं घी का। और ये सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया, सो ये सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां हैं जो भी आपको नियर बाय मिल पाती हैं। सो शकरकंद है, मूली है, गाजर है, बैंगन है, बनाना है, सो जो भी अवेलेबल होता है नियर बाय, सो वो सब हम यहाँ पे रखे हैं प्रसाद पूजा के लिए। और ये पूजा के लिए फूल लिया है, पान का पत्ता लिया है, सो और पीला कपड़ा, सो पीला अच्छा होता है।
सो यहाँ पे मैं अब रेडी होकर के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी अब 8 बज रहे हैं अराउंड। सो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। सो बस यहाँ पे गौर गणेश की पूजा करते हैं, शिव परिवार की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे और उनको याद करेंगे, फिर उसके बाद उनकी आरती करेंगे, फिर चाँद निकलने का वेट करते हैं। सो बस मैंने भी वहीं पर यहाँ पर पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। और हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है। अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से गणेश चौथ का जो व्रत है वो किया जाता है। सो आप देख सकते हैं। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए देवरानी बुरा मान गई। पार्वती पिता महादेव किदंत दयावंत चार भुजधारी नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत ऋषि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पा निवास। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। सो कहानी पढ़ने के बाद आरती वगैरह करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे भी चांद आ चुका है। चांद का दर्शन आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने मदर इन लॉ से भी यहाँ पे बात कर लिया फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, और बस उनकी भी पूजा वहाँ पे हो गई थी, मेरी भी हो गई है। बस अब इसके बाद हम चांद का दर्शन करने के बाद खाना खाएंगे। सो आई होप गाइस आज का ये बहुत प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।